हम जब भी कहीं घूमने जाते हैं तो अपनी यात्रा के दौरान हमारा सारा ध्यान होता है उस जगह को एक्सप्लोर करने में। हम इतना घूमते हैं कि आराम करने का समय ही नहीं बचता। हालांकि अब चीजें बदल गई हैं। अब लोग भाग दौड़ और थकाने वाले सफर की जगह आराम और सुकून को तवज्जो दे रहे हैं। आइए जानते हैं एक खास तरह के टूरिज्म के बारे में जिसका मकसद सिर्फ सोना है। हॉस्पिटैलिटी कंपनी हिल्टन द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर के 64% यात्रियों का मकसद 2024 में लेजर ट्रैवल करना है, यानी सिर्फ आराम करना, और इसके लिए वो अपने रोजाना के खर्चों में कटौती भी कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि ये बदलाव कोरोना पेंडेमिक के बाद आया है। इस तरह की यात्रा सबसे ज्यादा मिलेनियल्स और जेन ज़ी कर रहे हैं। लीजर ट्रैवल का ही एक हिस्सा है स्लीप टूरिज्म, जो काफी तेजी से बढ़ रहा है। स्लीप टूरिज्म की बात करें तो इसे समझना एकदम आसान है। यात्री अब वेकेशन पर कहीं घूमने फिरने नहीं बल्कि इसलिए जा रहे हैं ताकि वो आराम कर सकें और तरोताजा होकर वापस आ सकें। स्लीप टूरिज्म को नैपकेशंस या नैप हॉलिडे भी कहा जाता है। स्लीप टूरिज्म का मकसद यात्रियों को भरपूर नींद देना और उनके रोजमर्रा के तनाव से मुक्ति दिलाना है। जरा कल्पना करें कि आप एक आलिशान जगह रह रहे हों, रोजाना 8 घंटे की नींद ले रहे हों, खाने पीने का आनंद ले रहे हों और करने के लिए बस एक चीज हो, आराम। और क्या चाहिए? स्लीप टूरिज्म असल में हेल्थ टूरिज्म का एक हिस्सा है जो सालाना 800 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार बन चुका है। वीजाज ग्लोबल ट्रैवल इंटेंशंस रिपोर्ट 2023 के मुताबिक भारतीयों के बीच इंटरनेशनल ट्रैवल की वजहों में रिलैक्स करने जाना सबसे ऊपर है। 51% लोग सिर्फ घूमने फिरने और शॉपिंग के लिए विदेश नहीं जाते बल्कि रिलैक्स करने जाते हैं। करीब 48% भारतीय यात्री 4-स्टार होटल चुनते हैं और 22% खास तरह की अकोमोडेशंस चुनते हैं, जो सुकून देने वाले ट्रैवल एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ते रुझान को दर्शाता है। स्लीप टूरिज्म के लिए यात्री ऐसी जगह जाने के बारे में सोचते हैं जहां उनकी नींद की क्वालिटी बेहतर हो। यही वजह है कि साउंड प्रूफ और हाई क्वालिटी बेड्स जैसी सुविधाओं वाले वेलनेस रिसॉर्ट्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फिलिप्स द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक भारत के 93% लोग नींद से वंचित हैं। और अगर ऐसा है तो स्लीप टूरिज्म वाकई चीजों को बेहतर कर रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। काम के बीच से इस तरह की झपकी लेना फायदेमंद ही होता है। आइए जानते हैं कि स्लीप टूरिज्म किस तरह आपकी मदद करता है। काम के बोझ, भागम भाग और अंतहीन कामों के बीच कोई भी व्यक्ति आसानी से ब्रेक लेना भूल सकता है, जो बर्नआउट की वजह बनता है। लेकिन कुछ दिन की छुट्टी लेना या आराम करने वाली जगह पर जाना काम में दक्षता लाता है और बर्नआउट से मुक्त होने में मदद कर सकता है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो इस तरह का कम से कम एक ट्रिप जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। अपने बंधे बंधाए रूटीन से दूर जाने से आपका दिमाग तेजी से चलता है, जिससे आपको नए दृष्टिकोण मिलते हैं। ये आपकी क्रिएटिव बैटरीज को रिचार्ज करता है और आप तरोताजा होकर वापस लौटते हैं। इससे आपकी नींद बेहतर होती है। हमारी नींद की क्वालिटी सीधे हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, इसीलिए हमें इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। कुछ वेलनेस रिट्रीट में स्लीप प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं जो आपको नींद बेहतर करने के तरीकों के बारे में गाइड करते हैं। इतना ही नहीं, स्लीप टूरिज्म से आपको कीमती समय मिलता है जिसमें आप आत्मनिरीक्षण करते हैं और आप खुद से फिर से जुड़ सकते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।